इन कुत्तों और बिल्लियों को। सभी गैर मुस्लिम चीनी नहीं खाते, बल्कि चीनी कौम का एक जो इन जानवरों को बतौरे खुराक इस्तेमाल करता है, वगरना ज्यादातर चीनी लोग हमारी तरह। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर वापस होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अज़रा व्लॉग। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, बिकॉज आज की वीडियो का टाइटल है ट्रैवल टू चाइना। चाइना तो सबको पसंद होगा, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। आप लोग अपना मुझे बताइएगा कि आप लोगों को सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री पसंद है। तो चलें बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कर दिया, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करना तो मत भूलिएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी तरफ से जानी टीवी देखने वाले सभी मुअज्जज़ दोस्तों को अस्सलाम अलैकुम। दोस्तों, इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान के वजूद में आने के दो साल बाद अवामी जम्हूरिया चीन साल 2049 में आज़ाद हुआ। अपनी आज़ादी के बाद चीन ने जिस तेज़ी और कमाल से तरक्की की, वो अपनी मिसाल आप हैं। ये बात तो आज हर शख्स जानता है कि पिछले 10-15 सालों से चीन दुनिया में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी यही मुल्क है। और ये भी ख्याल किया जाता है कि अगर ये रफ्तार इसी तरह बरकरार रही तो बहुत जल्द चीन दुनिया की सुपर पावर होगा। मौशियत के हवाले से आज चीन अमेरिका को मात दे चुका है, अब बारी है चाइना के राज करने की। चाइना दुनिया में सिर्फ अपनी सस्ती चीज़ों की बदौलत मशहूर नहीं हुआ, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में एक आम इंसान नहीं जानता। लेकिन अगर गौर करें तो छोटी से छोटी कोई भी बात हो, चाइना का इतना बड़ा नाम बनने के पीछे सच साबित होती है। लोग तो इस मुल्क के बारे में यहाँ तक कहते हैं कि ये लोग मेज़ और कुर्सी को छोड़कर चार टांगों वाली हर चीज़ को खा जाते हैं। चाइना की चीज़ों के बारे में ये भी कहावत मशहूर है कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। इस वक्त चाइना ना सिर्फ दुनिया में अच्छी और मयारी चीज़ें बनाने में मकबूल हो रहा है, वहीं पर यह मुल्क दुनिया में दो नंबर चीज़ें बनाने के हवाले से भी जाना जाता है। आज जानी टीवी की इस वीडियो में हम तज़किरा करेंगे चीन के उन दिलचस्प हकाइक का जिनके बारे में आप लोग आमतौर पर नहीं जानते। लेकिन इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि मालूमात से भरी हुई कोई भी वीडियो आप दोस्तों की पहुँच से मिस ना हो जाए। चाइना का मुकम्मल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, यानी अवामी जम्हूरिया चीन। और ताइवान, जिसे दुनिया ताइवान के नाम से जानती है, उसका नाम जम्हूरिया चीन है। रशिया और कनाडा के बाद 95,96,961 मरबा किलोमीटर रकबे के साथ चीन इस वक्त दुनिया में अपने रकबे के एतबार से तीसरा बड़ा मुल्क गिना जाता है। अगर ताइवान और अक्साई चीन, जिस पर भारत का कब्ज़ा है, इस रकबे को भी चाइना के रकबे में शामिल कर लिया जाए तो एशिया के दूसरे बड़े मुल्क के साथ साथ इसे दुनिया के भी दूसरे बड़े मुल्क का एज़ाज़ हासिल हो जाएगा। इस वक्त भारत की आबादी 1,35,00,00,000 अफराद है, जबकि चीन अभी तक 1,40,00,00,000 अफराद की आबादी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क तसव्वुर किया जाता है। 29.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकॉनमी के साथ चीन इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी ताकत है। इस वक्त इस मुल्क के शहरियों की फीकस मजमूई आमदनी 20,667 यूएस डॉलर क्रॉस कर चुकी है। .cn इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है, जबकि +86 इस मुल्क के कॉलिंग कोड को कहा जाता है। कहा जाता है कि चीनी तहजीब बहुत कदीम है। तारीख दानों के मुताबिक इसकी इब्तदा 6000 कबल मसीह में हुई थी। कदीम चीन में सिपाहियों के लिबास कागज़ के बने होते थे। कहते हैं कि चीन का लफ्ज़ कदीम चिन शाही सिलसिले से लिया गया है। इस सिलसिले के पहले बादशाह का नाम चिन शी हुआंग था, जो 260 कबल मसीह से 210 कबल मसीह तक चिन शाही सिलसिले के सरबराह के तौर पर मुकर्रर रहा था। चीन खला में किसी इंसान को भेजने वाला तीसरा पहला मुल्क बना था। चाइना और रियासत हाय मुतहदा अमेरिका का रकबा तकरीबन बराबर बराबर है, लेकिन दोनों ममालिक की आबादी में बहुत बड़ा फ़र्क है। चीन की आबादी तकरीबन अमेरिका की आबादी से 4 गुना ज़्यादा है। आपने आज तक दुनिया में पानी की बोतल बिकती देखी भी होगी और इसे ख़रीदा भी होगा और पीकर भी देखा होगा।
लेकिन आपने शायद कभी हवा को बिकते नहीं देखा हो और ना ही आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि हवा भी बिक सकती है। जी हाँ, हमारे हमसाये मुल्क चीन में यह सब कुछ हो रहा है। दुनिया में गंदगी फैलाने वाले, ख़ास तौर पर हवा में जहरीले मवाद मिलाकर हवा को ख़राब करने वाले ममालिक में चीन का पहला नंबर आता है। अगर आप कभी चाइना टूर पर जाएं, तो आपको वहां के माहौल में सांस लेकर इस बात की सच्चाई का खुद ही इल्म हो जाएगा कि वहां रहने वाले लोग अक्सर मुंह पर मास्क चढ़ाकर घरों से बाहर निकलते हैं। चाइना के दारुल हुकूमत बीजिंग शहर में एक दिन सांस लेना एक पैकेट सिगरेट पीने के बराबर है। इसी के सबब चाइना में सांस लेने के लिए साफ हवा गैस बोतल्स की सूरत में बिकती है। हवा की एक बोतल की कीमत लगभग 5 युआन होती है। पिछले कुछ सालों से चीन में तामीराती काम दुनिया के दूसरे ममालिक से कदरे ज़्यादा हो रहा है। अमेरिका ने पिछले 100 सालों में जितना सीमेंट का इस्तेमाल किया है, चीन ने 2011 से 2013 के दरमियान यानी सिर्फ 3 सालों में उससे ज़्यादा का सीमेंट इस्तेमाल किया है। चीन ने इन 3 सालों के दौरान 6,615 मिलियन टन सीमेंट का इस्तेमाल किया था। ये इस्तेमाल इतना ज़्यादा है कि दुनिया के कई ममालिक में मुसलसल तामीराती काम अगर कई साल तक मुसलसल चलता रहे तो तब भी इतना ज़्यादा सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होगा। दोस्तों, चीन में काकरोच, मगरमच्छ, कुत्ते, बिल्लियाँ, सांप और बहुत से दूसरे कीड़े मकोड़े खाए जाते हैं। चाइना के लोग हर साल डॉग मीट फेस्टिवल मनाते हैं, मगर इस डॉग मीट फेस्टिवल में इन कुत्तों और बिल्लियों को सभी गैर मुस्लिम चीनी नहीं खाते, बल्कि चीनी कौम का एक मखसूस तबका है जो इन जानवरों को बतौर खुराक इस्तेमाल करता है। वगरना ज़्यादातर चीनी लोग हमारी तरह ही सब्जियां, चिकन, मीट और फिश खाने के शौकीन होते हैं। बस हम में और इनमें फ़र्क ये है कि हम हलाल खाते हैं और वो इन्हीं चीज़ों को हराम अंदाज से खाते हैं। चाइना का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां के लोग डिप्रेशन हालात से तंग या दूसरी वजूहात की बिना पर ख़ुदकुशी करने को तरजीह देते हैं। चीन में औसतन हर साल 1 लाख अफराद में से 10 अफराद ख़ुदकुशी करते हैं। अगर चीन की कुल आबादी के साथ इस तनासब को देखा जाए तो एक साल में ख़ुदकुशी करने वाले अफराद की तादाद 1,40,000 होती है और इन सुसाइड करने वाले अफराद में ज़्यादा तादाद ख़वातीन की होती है। यही वजह है कि चाइना जैसे मुल्क में नदी नालों से ख़ुदकुशी किए जाने वाले अफराद की लाशें निकालने का काम बतौर नौकरी आपको मिल जाता है। चीन में बढ़ती हुई आबादी की वजह से हुकूमत ने चंद साल पहले एक बच्चे से ज़्यादा बच्चे पैदा करना एक जुर्म करार दिया था। अवाम के मनफी रद्दे अमल से हुकूमत ने इस शर्त को 1 बच्चे से 2 बच्चों में तब्दील कर दिया। अब चाइना में लोगों की सूरत हाल ये है कि वो 2 बच्चों का नाम का अंदराज सरकारी सतह पर करवा रहे हैं और बाकी पैदा होने वाले बच्चे सरकारी सतह पर रजिस्टर नहीं करवाए जाते, जिनका आने वाले वक्त में इन सभी के लिए एक बहुत बड़ा मसला पैदा होने वाला है। दोस्तों, दुनिया का एक तरक्की याफ्ता मुल्क होने के बावजूद आज भी चीन में 30 करोड़ के लगभग ऐसे लोग बसते हैं जिनके पास अपना घर नहीं है। ये लोग झोंपड़ियों और गारों में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चाइना में गुर्बत का ये हाल है कि लगभग 1/3 आबादी ऐसी है जो रोज़ाना का $1 से $2 बड़ी मुश्किल से कमा पाते हैं। गुर्बत के मारे इन लोगों में अगयोर का वो इलाका है जहाँ ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है, जहाँ ना तो चीनी हुकूमत फलाह बहबूद पर ज़्यादा रुपया पैसा खर्च करती है और ना वहाँ के लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा किए जाते हैं। हुकूमत ने मुसलमानों की आज़ादी की तहरीक को ख़त्म करने के लिए इस इलाके के नौजवानों को नशे जैसी गंदी लत लगा रखी है। ये भी एक हकीकत है, मगर है एक इंतहाई तल्ख हकीकत कि जितना जुल्म चीन पाकिस्तान के साथ मुंसलिक मुसलमानों के सूबों, जिनका माजी में मशरकी तुर्किस्तान के नाम से एक अपना वतन होता था, उन पर करता है, शायद इतना जुल्म भारत कश्मीर और इसराइल फलस्तीन पर भी नहीं करता होगा। मगर हमारे पाकिस्तान के मीडिया में इतनी जुर्रत नहीं है कि चीन के इस घनौने अमल को दुनिया के सामने बेनकाब करे। ये एक हकीकत है कि अगर आपके पास DSLR या बड़ा कैमरा है तो मुसलमानों के इस सूबों में आपसे या तो कैमरा छीन लिया जाएगा या इसका मेमोरी कार्ड निकाल लिया जाएगा या आपसे वहाँ की बनाई हुई वीडियोज़ को डिलीट करवा दिया जाएगा, और इन सब को करने के लिए आपको चीनी फौज की तरफ से हुक्म होगा। इन इलाकों में मुसलमानों पर इंतहाई इखलाक से घिरी हुई सजाओं की वीडियोस तो मौजूद हैं, मगर हम आपको ये वीडियोस दिखा नहीं सकते, वगरना YouTube इन वीडियो को डिलीट कर देगा। दोस्तों, चीन के बारे में जहां दिलचस्प हकायक की बात हो रही है, वहीं एक सच ये भी है कि पूरी दुनिया में आपको जितने भी सफ़ेद पांडा नज़र आएंगे वो चीनी हुकूमत की मलकियत होंगे, क्योंकि चीनी हुकूमत ने दुनिया भर के सफ़ेद पांडाज को ख़रीद रखा है।
और इन जानवरों की देखभाल की जिम्मेदारी भी चीनी हुकूमत पर आयद होती है। चीन की मौजूदा आबादी 1 अरब 40 करोड़ के करीब है। यही वजह है कि औसतन चीन में हर 10 सेकंड के दरमियान एक नए बच्चे की पैदाइश होती है। दोस्तों, चीन की तरक्की के राजों में एक राज ये भी है कि चीन के लोग तालीम के निसाब के लिए अपने चीनी जुबान को सिलेक्ट करते हैं। यही वजह है कि चीन में आला तालीम हासिल करना यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में कदरे सस्ता पड़ता है। दूसरा, मुकामी जुबान में निसाब का ये फ़ायदा होता है कि इंसान जो कुछ भी पढ़ता है वो इस बात की गहराई तक चला जाता है। हमारे यहाँ अगर निसाब हमारा कौमी जुबान में हो जाए तो इंजीनियर पैदा करना, डॉक्टर पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो ये भी जान लीजिए कि चीन को बैंककारी का निज़ाम सेट करके देने में पाकिस्तान के नेशनल बैंक का बहुत बड़ा हाथ है। आज़ादी के बाद पाकिस्तान और चीन का दोस्ताना ताल्लुकात कायम हुआ तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने चीन में बैंककारी का निज़ाम बेहतर करने के लिए अपनी खिदमात सरंजाम दी थी। चीन की तरक्की का एक राज ये भी है कि मजदूरों और अफसरों को एक जैसा खाना खाने के लिए पाबंद किया जाता है। हमारी तरह ये नहीं कि अफसरों के लिए शाही खाने और मजदूरों के लिए हल्का और घटिया खाना। चीनी लोगों की सेहत और तंदरुस्ती की वजूहात में एक वजह यह भी है कि ये लोग हमेशा नीम गर्म या उबला हुआ पानी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, पांडा चीन का कौमी जानवर होने का एजाज रखता है। कूंच को चीन का कौमी परिंदा कहा जाता है। पंखे की जैसी पत्तियों वाला जंगी बैलूबा नामी इस मुल्क का कौमी दरख्त है। चेरी के फूल को इस मुल्क का कौमी फूल होने का एजाज हासिल है। चाइना ने आज तक किसी भी खेल को अपनी कौमी खेल का दर्जा नहीं दिया, मगर फुटबॉल, बैडमिंटन, बैंडी, बेसबॉल, बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग, आइस हॉकी, क्रिकेट, रग्बी और मोटर स्पोर्ट के अलावा दसियों ऐसी खेलें हैं जो इस मुल्क में बहुत शौक से खेली और देखी जाती हैं। दोस्तों, चीन में चोरी की सजा मौत है। चीन में चोर के सर में गोली मार दी जाती है, जिसका मुआवजा भी इसके घर वालों से वसूल किया जाता है। जब तक वर्सा लाश को मारी जाने वाली गोली का मुआवजा नहीं देते, उन्हें उस वक्त तक लाश को ले जाने की इजाज़त नहीं होती। चीन को इंतजामी तौर पर 34 हिस्सों में तकसीम किया गया है। चीन के कुल 22 सूबे हैं, 4 बल्दियात हैं यानी वफाकी हुकूमत के जेर इंतज़ाम इलाके, ऐसे जैसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद है। 5 खुद मुख्तार इलाके हैं, जिनमें सेंक्यांग यानी अघोर मुसलमानों का इलाका, मंगोलों का चीन के जेर असर इलाका, तिब्बती लोगों के लिए तिब्बत का इलाका, हुई लोगों के लिए नेंगेशिया का इलाका और जोंग लोगों के लिए गुआनशंगी का इलाका खुद मुख्तार इलाके हैं। जबकि हांगकांग और मकाओ जैसे 2 खसूसी इंतजामी इलाके भी चीन के साथ शामिल हैं। चीन के 97% नौजवान चीन में ही आला तालीम हासिल करना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि चीन का तालीमी निज़ाम दुनिया के दूसरे ममालिक से बेहतर भी है और सस्ता भी है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया था कि तालीम हासिल करो, खा तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से ये भी जाहिर होता है कि चीन माजी में तालीम के मैदान में दूसरे ममालिक से आगे था और आज भी ये एक हकीकत है। दोस्तों, युआन चीन की कौमी करेंसी को कहा जाता है। इनका एक युआन इस वक्त 27.96 पाकिस्तानी रुपयों जबकि 11.79 भारतीय रुपयों के बराबर है। चीन की करेंसी सिर्फ चीन में ही इस्तेमाल नहीं होती, शुमाली कोरिया, म्यांमार यानी बर्मा, लाओस, कैम्बोडिया, नेपाल, चाइना और वियतनाम के सरहदी इलाकों के अलावा जिम्बाब्वे जैसे ममालिक में भी अच्छी खासी इस्तेमाल होती है। जबकि चीन के ही जेली इलाकों मकाओ और हांगकांग में इस करेंसी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दोस्तों, चीन की सरहदें इस वक्त 22,000 से ज़्यादा किलोमीटर रकबे पर फैली हुई हैं। दुनिया के इस वक्त लगभग 14 ममालिक से चीन की सरहदें मिलती हैं। दुनिया में चीन और रूस 2 ऐसे मुल्क हैं जिनकी सरहदें दुनिया के दूसरे ममालिक में सबसे ज़्यादा एक दूसरे के साथ टच करती हैं। ये दोनों ममालिक दुनिया के 14 मुल्कों से अपनी सरहदें साझी करते हैं। सहराए गोभी से लेकर सहराए तकला मकान तक, हमालिया से लेकर कराकरम तक, पामीर से लेकर त्यान शान तक, ये मुल्क पहाड़ी सिलसिलों में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आज से 20 साल पहले चाइना में लगभग 50,000 के लगभग दरिया बहते थे, मगर आज 28,000 दरिया ऐसे हैं जो सूख चुके हैं। चाइना दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क से ज़्यादा डैम तामीर करने वाला मुल्क है। इस मुल्क में तामीर किए गए कुल डैम्स की तादाद 87,000 से ज़ायद है। ये मुल्क अपनी बिजली की तकरीबन ज़्यादातर ज़रूरत को पानी से पैदा करता है।
इस मुल्क में कुल झीलों की तादाद लगभग 24,800 के करीब है। चीन के कुल रकबे के 18% हिस्से पर जंगलात का बसेरा है, जो हजारों किस्म के जानवर और परिंदों का मस्कन भी है। चीन में इस वक्त 50,000 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही हैं। चीन के शहर शंघाई में इस वक्त 35,000 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही हैं, जो दुनिया के किसी भी दूसरे शहर से ज्यादा होंगी। चीन में बेरोजगारी की शरह 5% है। चीन में मीडिया आज़ाद नहीं है। मीडिया को हुकूमत और अदारों के खिलाफ बात करने की इजाज़त हासिल नहीं होती। यही वजह है कि चीन की तरक्की की एक वजह यह भी है, जब बाहरी दुनिया के लोगों को किसी मुल्क में अमन नज़र आता है तो गैर मुल्की कारोबारी शख्सियात वहां कारोबार करने को तरजीह देती हैं। जब एक मुल्क की आलमी सतह पर दहशतगर्द, गरीब मुल्क और धमाकों का मारा मुल्क के तौर पर पहचान बनी हो, भला उस मुल्क में कारोबारी हजरात कैसे आएंगे? इस बात का आप फैसला खुद कीजिए। चाइना पाकिस्तान से वक्त के लिहाज से 3 घंटे आगे है। दोस्तों, चीन में जाने के लिए पाकिस्तानियों और भारतीयों को वीज़े की ज़रूरत होती है। भारतीयों को चीन का विजिट वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता है, जबकि पाकिस्तानियों के लिए चीन का विजिट वीज़ा दस्तयाब नहीं होता। बल्कि अक्सर पाकिस्तानी चीन में सैर की गर्ज से तो जाते हैं, मगर वो बिजनेस वीज़ा लगवा कर चीन जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में विजिट वीज़ा एक ग्रुप की शक्ल में दस्तयाब होता है। एक सोलो ट्रैवलर के लिए चीन का विजिट वीज़ा बिल्कुल दस्तयाब नहीं होता। दोस्तों, चीन किन चीज़ों में दुनिया में सबसे आगे है, वो कौन से कारोबार और कौन सी वजूहात हैं जिनमें चीन ने बाकी दुनिया को पीछे छोड़ रखा है, ये सभी बातें आपके साथ होंगी मगर चीन के बारे में बनाई जाने वाली अगली वीडियो में। आज की ये वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ों अकारब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार लाजमी कीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो किस मुल्क पर बनाई जाए, कमेंट करते हुए मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नए मुल्क की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और चाइना की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी ये भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।